गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बेटा, सभी को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? यस यस सर। सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉस्फेट देखे थे, ठीक है? उसके टाइप देखा था कि हाँ कैसे कैसे तुम्हारे मॉस्फेट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो वहां हमने देखा कि एक एन चैनल टाइप हो सकता है, पी चैनल हो सकता है, इनहेंसमेंट टाइप हो सकता है, डिप्लीशन टाइप हो सकता है। तो लेट्स से अगर हम स्ट्रक्चरली देखें कि किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो, हमने क्या कहा पहला कि एन चैनल, ठीक है? तो एन चैनल का मतलब क्या है? ये जो वेल्स क्रिएटेड हैं, ये तुम्हारे क्या हैं? एन प्लस डोप है। ये तुम्हारे क्या हैं? एन प्लस डोप है। मीनिंग यहाँ पे हमने हाईली डोपिंग की है, एन की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की से हाईली डोप्ड करा है। अगर चैनल तुम्हारा एन टाइप है तो ये जो सबस्ट्रेट जिसपे बॉडी पूरी बनी हुई है, ये तुम्हारा पी टाइप होगा। पी टाइप सबस्ट्रेट, ठीक। अगर इनके बीच में ये यहाँ पे चैनल बना हुआ है, पहले से ही चैनल बना हुआ है, जब हमने फैब्रिकेशन किया तब से ही चैनल बना हुआ है, तो ये कैसा होगा? डिप्लीशन टाइप। मीनिंग यहां पर भी, इस रीजन में भी हमने कुछ अपनी तरफ से डोपिंग करा के यहाँ पे ये एन रीजन बना दिया। मतलब इतने एरिया में इस ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था, नीचे जो बेस था पी टाइप सेमीकंडक्टर था, वो इतने एरिया में कन्वर्ट होके यहाँ पे एन टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी साइड से कुछ पेंटावेलेंट डोपिंग इस एरिया में कराई, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजोरिटी हो गए हैं और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी हो गए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और एक क्लियर रखना कि देखो, हम जब भी जब एन और एनडी की बात करते थे, ठीक है, एक्सेप्टर डोपिंग और ये डोनर डोपिंग, ठीक, तो इसको हमने हमेशा डोपिंग कंसंट्रेशन कहा है। इसको हमने हमेशा डोपिंग कंसंट्रेशन कहा है, ठीक है। मीनिंग ये क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम यहां इस पी टाइप में बोलें कि एनए की वैल्यू 100 है और जो माइनॉरिटी कैरियर हैं वो 2 हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो सब्सट्रेट है इसमें केवल 2 ही होल्स होंगे, सॉरी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 100 होल्स होंगे, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं। पर यूनिट वॉल्यूम में 100 होल्स हैं और पर यूनिट वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्लियर रखना, क्योंकि आगे जाके अभी कहीं पे जब ये इनहेंसमेंट टाइप में हम लोग ये इन्वर्जन लेयर बना रहे होंगे, तब कुछ चीजें ऐसी आएंगी तो मे भी हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इस पॉइंट को क्लियर रखना, ये पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स हैं। मीनिंग जब हम एनए की वैल्यू बताते हैं या डोपिंग कंसंट्रेशन जब बताते हैं, तो हम ये बताते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ होल या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टोटल वॉल्यूम में इस 2 का कई टाइम्स
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे और 100 का कई टाइम्स यहाँ पे होल्स होंगे। अब यहाँ वापस आते हैं, तो हमने क्या कहा, पहला हमने यहां से डिसाइड किया कि हाँ अगर चैनल एन चैनल है, ठीक, अगर ये एन चैनल है तो मीनिंग क्या है कि जो वेल्स क्रिएटेड हैं ये एन प्लस के हैं और ये जो सबस्ट्रेट है वो पी टाइप का है। ठीक, अब दूसरी बात हमने कही कि यहां हमने डिफ्यूज करके, ठीक है, डिफ्यूजन से हमने खुद से ही अपनी अपनी साइड से यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग करा दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे अपने आप स्टार्टिंग से ही फैब्रिकेशन की वजह से ही यहाँ पे चैनल क्रिएटेड है। तो ये क्या कहलाएगा, अगर ये स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये कहलाएगा एन टाइप डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। इसको एन टाइप ना लिख के एन चैनल लिख लो, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। यही एक दूसरी तरफ दूसरा है, ठीक है, इसमें ये जो होगा क्या होगा, सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ठीक, यहां पे ऐसे बॉडी होगी। Now, अगर उसी जगह पे हम दूसरी तरफ ये कहें कि लेट्स से यहाँ पे दोनों वेल्स जो है वो एन टाइप के ही है और ये जो सबस्ट्रेट हमने बनाया है वो पी टाइप का ही है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एन चैनल मॉस्फेट है, ये जो है ये एन चैनल मॉस्फेट है। ठीक, अब अगर हमने अब यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं कराया, मीनिंग यहाँ पे हमने डोपिंग करा के एन टाइप का चैनल क्रिएट नहीं किया खुद से ही फैब्रिकेशन के टाइम पे, इनिशियली यहाँ पे कोई भी चैनल क्रिएटेड नहीं है, ठीक, तो ये टाइप जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप। में भी ये सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें ऑलरेडी ये यहाँ पे ये चैनल क्रिएटेड है, चैनल एग्जिस्ट कर रहा है इनिशियली, जबकि इसमें नो चैनल, चैनल स्टार्टिंग में नहीं है। अब देखो, जब भी तुम इसमें सोर्स और ड्रेन पे वोल्टेज दोगे, इस वाले मॉस्फेट को जैसे ही तुम सोर्स और ड्रेन पे वोल्टेज दोगे, इसमें इजिली यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे मूव कर पाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव कर पाएंगे। हमने बताया सोर्स से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और ड्रेन पे पहुंचते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये चलेंगे और ये डायरेक्टली क्यों जा पा रहे हैं, हमने अभी तक गेट पे कोई वोल्टेज नहीं दिया, केवल सोर्स और ड्रेन के बीच में अगर हमने कोई वोल्टेज दिया, ठीक, तो तुरंत ये लेट्स से यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एक वोल्टेज दिए देते हैं VDS, ड्रेन टू सोर्स देना है और इसको इधर हम ग्राउंड कर दे रहे हैं, तो ये वोल्टेज किसके बीच हो गया, ड्रेन और सोर्स के बीच में, सोर्स को हमने ग्राउंड कर दिया है और ड्रेन पे हमने VDS वोल्टेज दे दिया, ठीक, गेट पे हमने अभी कोई वोल्टेज नहीं दिया, ठीक, फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी और ये करंट किस वजह से फ्लो हो रही है, चार्ज कैरियर जो जनरेट हो रहे हैं सोर्स पे वो मूव कर रहे हैं ड्रेन की ओर, यहाँ पे किस टाइप के चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ठीक, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर
मूव करेंगे। यहाँ पे होल मूव नहीं कर सकते, होल यहाँ इस सोर्स से ड्रेन पे नहीं जा सकते, ठीक है। चैनल तुम्हारा एन टाइप है, यहाँ पे जो भी जाएंगे वो ड्रेन तक पहुंचने वाले केवल होल्स होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होल्स मान लो जैसे ही एन चैनल में आएंगे भी तो थोड़ा बहुत रिकम्बिनेशन देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ, उसकी वजह से इधर जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेट्स से हम उसको लिख रहे हैं आई सफिक्स में डी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ड्रेन टू सोर्स होगी। तो पहला पॉइंट जो तुम्हें एन चैनल के लिए याद रखना है वो ये कि जो यहाँ पे करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से, चार्ज कैरियर यहाँ कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो होती है, ठीक है। यहां पे इनिशियली करंट फ्लो हो सकती है, जबकि यहां पे अगर तुमने यहां पे सोर्स पे ऐसे वोल्टेज दिया, सोर्स को ग्राउंड किया और इधर ये वोल्टेज दिया VDS, ठीक, तो यहां पे चैनल अवेलेबल नहीं है, इनिशियली यहां पे चैनल अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गेट पे वोल्टेज देके यहाँ चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, ठीक। यहाँ पर भी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, करंट का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का वो ड्रेन टू सोर्स रहेगा, ठीक है। अभी कैसे चैनल क्रिएट करते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन अभी पहला पॉइंट हमें समझना है कि हाँ जो चार्ज कैरियर है, जो एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट हो या एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट हो, उसमें जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैरियर हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ जाते हैं, ठीक है, सोर्स टू ड्रेन हमेशा जाते हैं। और करंट का डायरेक्शन यहां पे क्या है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, दैट इज व्हाई करंट की डायरेक्शन यहां पे क्या है, तुम्हारी ड्रेन टू सोर्स, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एन चैनल मॉस्फेट या एन मॉस्फेट, इसमें तुम्हारे डिप्लीशन और एनहेंसमेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं। इसी तरीके से लेट्स से हमने यहां पे एन टाइप डोपिंग कराई, एन टाइप डोपिंग कराई, ठीक। अभी जो एन टाइप डोपिंग कराई तो मीनिंग यहां पे हमने वेल्स जो ये क्रिएट किए होंगे ये हाईली डोप्ड पी टाइप होंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, पी चैनल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पी चैनल मॉस्फेट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब भी कम्युनिकेशन या जब भी चार्ज कैरियर का मूवमेंट होना होगा तो चार्ज कैरियर मूव करेंगे वाया दिस चैनल। अगर यहाँ पे एक चैनल लेस से हम बना देते हैं, ठीक है, तो इस चैनल में प्लस साइन क्या शो कर रहा है, मोर नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, यहाँ पे होल्स की अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। देखो इन जनरल अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते ज्यादा से ज्यादा, स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एन टाइप की वजह से मेजॉरिटी कैरियर क्या होते, इलेक्ट्रॉन्स होते, है ना। अब जैसे ही ये होल इधर की ओर मूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने गेट और सोर्स ऑफ ड्रेन के अक्रॉस वोल्टेज लगाया होता, तो जैसे ही होल्स इधर से इधर मूव करने की कोशिश करते वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ रिकम्बाइन हो जाते। दैट इज वाई हम क्या करते हैं कि हाँ यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करते हैं, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पी टाइप की डोपिंग कराई और उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे चैनल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस एरिया में, इतने एरिया में, इतने एरिया में ये जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप का हो गया, ठीक है। यहाँ एन टाइप की तरह बिहेव कर रहा था, जबकि यहाँ पे होल्स जो है मेजॉरिटी कैरियर में हमने कर दिए हैं बाय यूजिंग सम डोपिंग, एक्स्ट्रा डोपिंग हमने इधर ट्राइवेलेंट की करके
यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो थे वो इंक्रीज कर दिए। इस एरिया में अगर देखोगे तो होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, जबकि इस एरिया में देखोगे तो होल्स माइनॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। मैंने यानी हमने बेसिकली किया क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक पर्टिकुलर एरिया जो था, इस एरिया को पी टाइप डोपिंग करके हमने पी टाइप का बना दिया, राइट। अच्छा, अब ये कैसा हो गया, यहाँ पे चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसको क्या बोल दिया, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। हो गया पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। सिमिलरली लेट्स से यहां पे अगेन हम कहें कि एन टाइप का सबस्ट्रेट है, पी प्लस वेल्स क्रिएट किए हैं जो कि सोर्स और ड्रेन बना रहे हैं, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे चैनल इनिशियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनिशियली इनके पास चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये क्या कहना है कि अगेन पी चैनल, चैनल पी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेल्स पी टाइप के बने हैं और यहाँ जो चैनल क्रिएट होना चाहिए वो पी टाइप का होना चाहिए, तभी चार्ज फ्लो हो पाएगा, चार्ज कैरियर फ्लो हो पाएंगे। ये क्या हो गया, पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप। अब अगर हम कहें कि हम सोर्स पे ग्राउंड कर दें और इधर ड्रेन पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दें, गेट पे इनिशियली हमने अभी कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, तो अब क्या होगा कि इस सोर्स के वोल्टेज की वजह से अब यहां पे होल्स जो होंगे, जो होल्स हैं वो ऐसे इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। होल्स इजिली इस चैनल के थ्रू फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो कौन से हैं, होल्स हैं। पी चैनल में चार्ज कैरियर जो होंगे वो कौन से होंगे, होल्स, उनका मूवमेंट होगा सोर्स टू ड्रेन। ठीक, नाउ अब जो यहां पे इसमें करंट फ्लो होगी पी चैनल मॉस्फेट में, जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, होल की ही डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, यानी यहां पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तुम्हारे एन चैनल मॉस्फेट की कंपैरिजन में। एन चैनल में करंट तुम्हारी क्या थी, ड्रेन टू सोर्स जा रही थी, जबकि यहां पे करंट कैसे जा रही है, सोर्स टू ड्रेन जा रही है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। दोनों ही केस में जो चार्ज कैरियर है वो हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ ही जाते हैं, ठीक, जबकि करंट का डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होता है। ये चारों टाइप में किसी को कहीं कुछ दिक्कत,
तो अब वन बाय वन, एक बार इनहेंसमेंट टाइप, देन डिप्लीशन टाइप, दोनों मॉस्फेट्स का हमें बेसिकली ऑपरेशन देखना है कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका ऑपरेशन कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हम हमने देख लिया है कि कैसा है, बट हमें ऑपरेशन देखना है कि कैसे ये वर्क करते हैं। अच्छा एक और चीज, कभी कभी तुमको मॉस्फेट का स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ ऐसा बना भी मिल जाए। देखो जो प्रीवियसली स्ट्रक्चर हमने बताया और जो ये स्ट्रक्चर हमने बताया, दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे वहां पे हमने कैसे बनाया था कि जो SiO2 लेयर थी, जो ऑक्साइड की लेयर थी, वो ऑक्साइड की लेयर हमने ड्रेन से लेके सोर्स तक पूरे एरिया में वो ऑक्साइड की लेयर बनाई थी। मीनिंग इधर भी ऑक्साइड लेयर थी, इधर भी ऑक्साइड लेयर थी, और उस ऑक्साइड लेयर में बीच में यहाँ गैप करके हमने, इधर देखो यहाँ पे हमने क्या, फुल ऑक्साइड लेयर यहां से यहां तक पूरे में लगी हुई है। ठीक है, ये जो SiO2 लेयर है, ये SiO2 की लेयर है, ये है ना, ये SiO2 की लेयर हमने पूरे इसमें ड्रॉ की थी, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कट करके, SiO2 लेयर को कट करके ऐसे यहाँ पे मेटल का कनेक्शन दिया था। और दूसरा स्ट्रक्चर हम तुम्हें क्या दिखा रहे हैं, जिसमें हमने जो ये SiO2 की लेयर है, ये SiO2 की जो लेयर है वो केवल हमने गेट में जो ये जो गेट टर्मिनल बनाना था उसके लिए जो मेटल लगाया है, केवल उसके नीचे ही हमने SiO2 लगाया। अभी जैसे ही तुम ऑपरेशन समझ लोगे मॉस्फेट का, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में इस ड्रेन एरिया में या सोर्स एरिया में SiO2 लेयर लगाने का कोई ऐसा यूज भी नहीं होता है। हम ये हमारे फेब्रिकेशन के तरीके हैं कि कितना हम क्लियर कट बना रहे हैं, कैसा हम फैब्रिकेट खुद से कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कि क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर है उसका यूज बेसिकली केवल इतने ही एरिया में है। वो अलग बात है कि हम जब इनिशियली बना रहे होते हैं तो हम जब यहाँ पे हम डिफ्यूजन कराते हैं SiO2 का, तो ये जितना भी सब्सटेंस है इस पूरे के ऊपर हम करा देते हैं, क्योंकि ये काफी छोटे स्केल की होती है, नैनोमीटर स्केल्स की कि ये आईसीज हो रही है आज के टाइम पे जो मैन्युफैक्चर होती है, फैब्रिकेट होती है, तो उसमें ये डिफरेंशिएट कर पाना कि केवल इतने एरिया में, यानी कि गेट एरिया में ही केवल लगा है और या पूरे एरिया में लगा, इसको चेक कर पाना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, मतलब पॉसिबल नहीं है वो। ठीक, बट इन जनरल अगर तुम्हें इस तरह का डायग्राम मिले तो भी सही है, इस तरह का डायग्राम मिले ये तो भी सही है। मीनिंग अगर कि कहीं पे डायग्राम में पूरा ऑक्साइड लेयर है तो भी वो करेक्ट है, और यहाँ केवल गेट टर्मिनल पे ऑक्साइड लेयर है तो भी वो सही है। ठीक ना, हम यहाँ बेसिकली जैसे हम एन प्लस की बात करते हैं, हम बेसिकली एन चैनल मॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं, कि हाँ एन चैनल मॉस्फेट किस तरह से काम करे।
ये तुम्हारा यहाँ पे पी टाइप सबस्ट्रेट, दिस इज सोर्स, ड्रेन एंड नाउ. अब यहां पे इनिशियली कोई भी चैनल क्रिएटेड नहीं है, ठीक. इनिशियली यहां पे अगर कोई भी चैनल तुम्हारा क्रिएटेड नहीं है, अगर हम पहला केस कहें कि हमने कोई भी गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है, इनिशियली पहला केस हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक. अगर कोई भी गेट वोल्टेज अप्लाइड नहीं है तो उस केस में ना यहां पे चैनल होगा, फिर चाहे तुम गेट ड्रेन और सोर्स के बीच में कुछ भी वोल्टेज अप्लाई करते रहो, जब यहां चैनल ही नहीं है, ठीक है, जाने का रास्ता ही नहीं है सोर्स से ड्रेन की तरफ, जब जाने का रास्ता ही नहीं है तो कितनी भी अच्छी बाइक तुम लेके आओ क्या फर्क पड़ता है ना. तुम कितना भी वोल्टेज यहाँ सोर्स और ड्रेन के बीच में लगाते रहो, जब तक यहाँ पे चैनल क्रिएट नहीं होगा इस एरिए में, जब तक चैनल क्रिएट नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. तो जो तुम्हारा इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट है, इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो अगर हमने कोई भी गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो कोई चैनल नहीं होगा इनिशियली बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, मीनिंग मॉस्फेट ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक. वो अलग बात है कि अभी हम यहाँ पे गेट वोल्टेज अप्लाई करके हम यहाँ पे चैनल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा जो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन में पॉइंट है वो ये है कि हम क्रिएट कर रहे हैं चैनल को. अब इसको आराम से देखना, यहां ऊपर ये लगा है मेटल, यहां नीचे ये है सेमीकंडक्टर, और ये बीच में SiO2 यानी इंसुलेटर. मिड में क्या है, ये तुम्हारा इंसुलेटर. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं, अगर हम कह रहे हैं ये सेमीकंडक्टर है, ऊपर मेटल है. अब एक स्ट्रक्चर याद करो, मेटल मेटल इन बिटवीन यहां पे इंसुलेटर. क्या है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ये बेसिकली किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. यहां पे भी अगर हम देखें ये जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट में भी इस मेटल और इस सेमीकंडक्टर दो प्लेट तुम्हारी कंडक्टिंग है, ठीक. कैपेसिटर बनाने के लिए मेन यही होता है ना, तो कि दो प्लेट तुम्हारी कंडक्टिंग हो और उन दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पे ऐसे एक इंसुलेटिंग मीडियम लगा हुआ हो, यही तुम्हारा कैपेसिटर है, राइट. तो अब ये अगर हम इस मॉस